माधवी क्या है ये पासबुक मैंने अपडेट की तुम्हारी, तो पता चला कि तुम्हारे अकाउंट में 80,000 रुपए है। तभी मैं सोचू तुम्हें पासबुक मिल क्यों नहीं रही थी, मतलब तुम उसे छुपाना चाहती थी ना कि तुम्हारे अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं। अरे 80,000 रुपए, टेंशन की क्या बात है इसमें, आपको तो खुश होना चाहिए था ना। थोड़े थोड़े करके मैंने इतने सारे पैसे जमा किए अकाउंट में, नहीं का नहीं जमा किया तो अच्छी बात है, लेकिन सेविंग अकाउंट में क्यों रखने हैं पैसे। ठीक है, अकाउंट से निकाल के कैश घर में रख लेती हूँ। अरे माधवी, मैं 80,000 रुपए कैश घर में रखने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सेविंग अकाउंट में क्यों रखने हैं, FD करवा लेते हैं ना, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अरे तुम्हारे मेहनत का फल अगर ज्यादा मीठा हो तो अच्छा ही है ना। चलो चलो एक काम करते हैं, मैं ना FD का फॉर्म लेके आया हूँ, तुम फटाफट इसको साइन कर दो, बाकी सारी डिटेल्स मैं भर दूंगा। हेलो तो। नहीं नहीं, क्या मिनट है, अकाउंट में ही नहीं रहने दीजिए पैसे प्लीज, और नहीं करनी है मुझे FD वगैरह, रहने दीजिए ना सेविंग अकाउंट में, क्या प्रॉब्लम है। अरे माधवी, सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट FD में मिलेगा ना। अरे ना पढ़ो तो सही है, और राहु दे ना, नको ना। अरे काय राहु दे माधवी, अरे सेविंग अकाउंट में इतने सारे पैसे रखना सेफ नहीं है। वाह, इतने दिन से तो अकाउंट में ही है ना, मतलब बैंक में सेफ ही होते हैं ना पैसे। नहीं, पैसे सेफ है, लेकिन क्या है आजकल कुछ भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ होगी तो। क्या गड़बड़ होगी माधवी, अभी मेहता साहब मिले थे, वो बता रहे थे कि आजकल न्यूज़पेपर में बैंक से रिलेटेड स्कैम की खबरें पढ़ने मिलती है। मतलब क्या होता है, जिनके अकाउंट में ज्यादा पैसे होते हैं ना, तो उनकी डिटेल्स स्कैम करने वाले लोग कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं और फिर इंटरनेट के माध्यम से पूरा अकाउंट साफ कर देते हैं। जरा सोचो माधवी, इतनी मेहनत से जमा किया हुआ पैसा अगर ऐसे ही चला जाए तो कितना दुख होगा। रोज रोज थोड़ी ऐसा होता है, लाखों में एक बार किसी एक के साथ होता है। हाँ, तुम भी तो लाखों में एक हो ना। मेरा मतलब है लाखों में वो एक तुम भी तो हो सकती हो ना। क्यों ऐसा निगेटिव सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मैं निगेटिव नहीं सोच रहा हूँ माधवी, प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। मैं नहीं कर सकती हूँ FD। अरे पर माधवी, माला एक कळत नहीं है, तुम्हें FD करवाने में प्रॉब्लम क्या है। बाबा काय झालं, ए बस बड़ा बस बस, तुम्हें पता है आई के अकाउंट में 80,000 रुपए। पता चल गया बाबा को, तुम्हें पता था। हाँ, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पर पता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है। अरे प्रॉब्लम ये है कि मैं आई को बोल रहा हूँ कि सेविंग अकाउंट में इतने सारे पैसे क्यों रखने हैं, FD करवा लो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो FD करवा नहीं रही है। मैं नहीं कर सकती हूँ FD। आपको क्या तकलीफ है, रहने दीजिए ना सेविंग अकाउंट में पैसे। हाँ पापा, राव दिया ना। माधवी, सेविंग अकाउंट में पैसे रखे उसका आचार डालोगी तुम, तू अपने पैसों का नुकसान कर रही हो तुम। FD करवा लो, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, लो साइन करो। तेरे पापा ना जिद नहीं छोड़ेंगे। हाँ नहीं छोड़ेंगे, लो। लगता है सच बताना ही पड़ेगा। सच? कैसा सच? माधवी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या छुपा रहे हो मुझसे? हम लोग आपको सरप्राइज देना चाहते थे। कैसा सरप्राइज? आपको याद है आपने सोनू के लिए सोने की चेन लेने का सोचा था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से आप ले नहीं पा रहे थे। हाँ तो? तो उसी के लिए मैंने थोड़े थोड़े करके ये 80,000 जमा किए थे अकाउंट में। क्या मतलब, हमारे सोनू की चेन इसी पुष्य नक्षत्र पे आ जाएगी? अरे वाह, क्या बात है भाभी, क्या बात है। माँ कितना अच्छा सरप्राइज देने वाली थी आई आपको, लेकिन आपने आई के पूरे सरप्राइज का मजा ही किरकिरा कर दिया। मैं क्या, सॉरी सोनू, मुझे पता नहीं था। लेकिन माधवी, अगर तुमने पैसे जमा किए थे तो फिर चेन ली क्यों नहीं? और मुझे ना अपने सोनू के लिए स्पेशल डिजाइन की चेन चाहिए थी, इसलिए वो तो बनवा के लेनी थी, 2 हफ्ते पहले मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो क्या अभी तक चेन तैयार नहीं हुई? नहीं नहीं, वो तो 2 दिन से रेडी है, लेकिन क्या है, आज पुष्य नक्षत्र है ना, तो मैंने सोचा कि पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदना अच्छा होता है, और ये आपने भी तो बोला था। तो आज के दिन ही हम लोग खरीदेंगे, तो अभी जाएंगे, पैसे देंगे और चेन लेके आएंगे। वाह 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 वाह, मस्त मस्त मस्त, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी माधवी। लेकिन माधवी, ये सोने की चेन तुमने बराबर देख के खरीदी है ना? नहीं, क्या है आजकल मिक्सिंग बहुत होता है ना, मतलब कोई ऐसी वैसी दुकान से तो नहीं खरीदी ना, पहचान वाले से ही खरीदी है ना? नहीं हो, लता मौसी है ना अपनी, उनके पहचान की दुकान है, 100 का 101% का गारंटी। वाह वाह, वेरी गुड। तो अभी इसके पैसे कैसे दोगी, मतलब चेक दोगी या कैश? डेबिट कार्ड से। ओहो, क्या बात है।
माधवी क्या बात है, एवरीथिंग इज सो वेल प्लान्ड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मानना पड़ेगा कितनी जबरदस्त बचत करती हो तुम। मैं बहुत लकी हूँ माधवी कि तुम्हारे साथ की वजह से हम लोग सेविंग कर पाते हैं। सोनू साड़ी नवीन सोने की चेन है ना रे, ये तो सेलिब्रेशन का मौका है। एक काम करते मस्त भी की तीनों जाते, सोनू की चेन खरीदते, उसके बाद कहीं मस्त भी की बाहर खाना खाते, फिर घर पे आते। चलो तैयार हो जाओ। नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते, पुष्य नक्षत्र में अच्छा मुहूर्त 3 से 4 बजे का है, तभी जाएंगे हम लोग, है ना? ठीक है तब जाते हैं। आता मदद करा है लौकर। हो हो चला चला चला, ये पिछवी दे माला। हाँ। मजा आ जाएगा। मोटी कमर उड़ गए ना तोते पोपटलाल।